अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू खोकरणा। और हमें फट्टे मतलब फट्टे देर हुई है, लेट हुई है। एक्चुअली मैं पूछा था, निकला था 5:30 बजे उठ गया, 5:30 बजे उठ गया था मैं। पर पूरा ये सब काम जम करने में, पैकिंग की करने में पूरा 1 घंटा, नहीं 1 घंटे के ऊपर 2 घंटा लग गया भाई। हेमंत, आई शुड वर्क फास्ट, आई थिंक सो। तो ये है गोकर्णा की गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। और ये है गोकर्णा के लोग। अभी हमें जाना है, नसीब इतना ख़राब है कि यहाँ जिसके साथ आना, विशेष वजह से पिछले बार में देखा कि ये आना एक्चुअली एक्सीडेंटली आ गया। एक्सीडेंटली पर नहीं, मतलब दूसरा कोई चारा नहीं था इसके लिए आ गया हमें। तो हमें वापस 10 किलोमीटर बाहर जाना है, और वहाँ से आज का डिस्टेंशन कुछ 634 किलोमीटर्स है। अभी वो भी कैसा है अभी ब्लॉक में पता चलेगा, ऐसा नहीं बताऊँगा मैं। फिर आएगा, अरे स्ट्रैप लगाना भूल गया। बाइक इज परफॉर्मिंग गुड, नॉट मतलब बेचारी काफ़ी सह रही है, ये वो पूरा मिलके। अभी आज भी एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस कवर करना है, इसके लिए आज ब्रेक कम लेना है। एक्चुअली कल प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ था कल। एक्चुअली जो अरे 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 जो लगेज रैप किया था मैंने ताड़ पत्री से या थ्रू टेम्पोलिन से, वो मेरा जजमेंट गलत निकला। वो ट्रायल एंड टेस्टेड था, तो अभी और कुछ कर नहीं सकते उसमें। उसके वजह से वापस निकाल के वापस रिपैक करके उसमें आधा घंटा ऐसे चला गया। एंड मैंगलोर वॉज अराउंड 850 किलोमीटर्स, तो एक्चुअली वो ज़्यादा पड़ गया था। इशू वही था कि हाईवे नहीं था, स्टेट हाईवे था, इसके लिए सामने से हाई वेव से सब, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, और सेफ्टी का भी इशू था। इसके लिए बोला कि अच्छा है कि भाई अभी निकल यहाँ ही रुकते हैं। वैसे भी गोकर्ण आना था, पर ऐसा ऐसा नहीं आना था कि सिर्फ आके कुछ बिना घूम के निकल जाए घर के। ठीक है, लेट्स सी। और ये काफ़ी धार्मिक प्लेस है, यहाँ काफ़ी सारे टेम्पल्स है। हाँ एक्चुअली मुझे पता था कि सिर्फ ये बीच के लिए फेमस है, एज इट इज़ कॉल्ड एज क्या बोलते उसको, मिनी गोवा कर्नाटका का। बट एनी वे लेट्स सी। तो अभी जाते वक्त अपन एक चाय भी मारेंगे, उड़पी में शायद से चाय मार सकते हैं हम लोग, उड़पी से चाय मार के। तो अभी कैसा गोकर्णा 10 किलोमीटर अंदर है, तो 10 किलोमीटर बाहर जाके नेशनल हाईवे को टच करना है, फिर वहाँ से हमें उड़पी मैंगलोर फिर कोझिकोड़े, मतलब शायद से हाँ मैं एंटर भी करूँगा, केरला भी एंटर करूँगा उसके वजह से। हाँ चलो आप लोग मज़े ले लो।
जैसे रहना है 66-77 किलोमीटर का, शायद से 4 लेन रोड है, बीच बीच में से डाइवर्जेंस है, पैचेस है सिंगल सिंगल के, पर ऑल आर मस्त है। तो मतलब ये स्टार्टिंग का 77 किलोमीटर से ना मक्खन जैसा निकल जाएगा, बात का पता नहीं भाई, बात का नहीं पता। क्लाइमेट इज एक्चुअली वेरी कूल, ऐसा गर्मी ऐसे हो रही नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे बीच देखो, ऐसे बीच बीच में ऐसा ये पहाड़ को तोड़ तोड़ के लोग हाईवे बना रहे हैं, तो इसके लिए अभी भी काम थोड़ा सा बाकी है, बट है। देखिए ऐसा छोटा सा पैच मिलता है, फिर अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिंगल लेन ले सकते हैं, और इतना ट्रैफिक भी नहीं है, काफ़ी कम लोग हैं, जो भी दिख रहे हो चाहे अच्छे से लोकल्स रहेंगे। सो सिर्फ 500 किलोमीटर रिमेनिंग। अभी आई एम अगेन NH 66 पर, अभी आगे उड़पी आएगा, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के हिसाब से। बट जस्ट लुक एट दिस साइड में, मतलब कि बीच है, बीच के साइड में ये हाईवे है, और शायद से मैंगलोर तक ऐसा ही रोड रहेगा। मतलब वाह क्या बात करें, ऐसा सब चीज़ें देखने मिलती कम है। जस्ट लुक एट दिस ना यार, क्या कितना मस्त हाईवे है, तो वाह मज़ा आ गया। फुल एकदम, कभी मैंने सोचा था कि नेशनल हाईवे के बाजू में ऐसे बीच रहेगा यार की। Incredible India, and this is a black waters, जो direct Arabian Sea से जाके मिलता है। ये सब चीजें ऐसे flight में इसमें देखने experience मिलता नहीं रे। देखो क्या बात है यार, ये ऐसा दिल खुश हो गया। एक्चुअली मेरे को थोड़ा रुकना था चाय भी पीने के लिए, लेट से आगे किधर कुछ मिलता है क्या। फुल एकदम हार्ड है, हार्ड एक नंबर ना भाई, एक नंबर। ब्यूटीफुल, अभी कब तक ये हाईवे पता नहीं, वो जितना भी है वहां दिख रहा है। गो मेलो, सो राइट नाउ आई जस्ट क्रॉस कासरगोड, मतलब हम लोग केरला पहुंच गए हैं। केरला हम लोग ने क्रॉस कर दिया, केरला ने सॉरी कासरगोड क्रॉस कर लिया मैंगलोर से। बट आई शुड टेल यू, मैंगलोर से लेके कासरगोड तक जो रोड है ना वो बहुत ख़राब है, मतलब फट्टे ख़राब है। अभी जैसे कासरगोड क्रॉस किया तो ये एक टाइप का घाट चालू होता है, जहाँ इतने सारे टर्न्स है ना, मतलब हेयरपिन टर्न्स है ना कि पूछो मत। रोड भी इतने अच्छे नहीं है। केरला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एंड मोस्टली लोग भी इतने ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। कर्नाटका में तो बस वाले ओवरटेक करते थे, गंदा वाला देखते नहीं थे, यहाँ तो लोग भी वैसे ही है। सब थोड़ी होंगे बट जो है वो मैं बता रहा हूँ। और बीच में गंदा वाला नींद भी तो आ चुका था मेरे को, अब सारा नींद वींद चला गया। अभी वो अपना बम वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जो कि होता ही है अगर कंटिन्यूस आप स्लो राइड करते रहोगे तो। स्पीड बहुत कम हो चुका है अभी, मोस्टली कन्नूर के लिए मैं अभी कन्नूर थ्रू जा रहा हूँ, कन्नूर जो कि 94 किलोमीटर है,
इतने स्लो पेस में 94 किलोमीटर सारा 2 घंटा रहेगा, ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा ये सब करने में, अगर ऐसे ट्विस्टीज और ये इतने ट्रैफिक वाले छोटे छोटे लेन रहेंगे। केरला में इतना लंबा हाईवेज है कि नहीं पता नहीं, मुझे को याद नहीं है। वायनाड में थोड़े अच्छे हाईवेज है, मतलब रोड्स हैं, लोग ज़रा डेंजर है मे बी दे आर ये मतलब लोग मतलब उनका ड्राइविंग काफ़ी रैश है, मे बी सब राइडर्स हैं यहाँ। तो एक्चुअली अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ ना, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसके लिए ना नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया है, कर दो फॉलो, क्या प्रॉब्लम है, बस एक फॉलो तो बताओ ना, फॉलो तो करना है और क्या करना है। हाँ हाँ ये तो राइडर ही है भाई, कंट्रीज ऑफ राइडर्स, ऐसा 60-70 के बीच में रहेगा ना तो आराम से पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम ये सारा ओवरटेकिंग का इशू है रे। ब्लाइंड स्पॉट, धूप भी है पर इतनी नहीं जितनी प्रॉब्लम देना चाहिए, पर है धूप है, अच्छा खासा धूप है। और ये कलका फटिक, कलका ये मतलब फटिक बॉडी में हिट हो रहा है और बस 150 या पता नहीं कितना किलोमीटर, बस एक बार कुन्नूर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ और रिक्शा वाले इंडिकेटर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, ऐसा सारे रिक्शा वाला भी इंडिकेटर नहीं देता है हमारे। देखा उसको ज़रूरत नहीं थी, आगे भी दे सकता था पर नहीं, चुल है चुल। आज ऐसा ही रोड हो थोड़ा, बट भाई यू शुड बी वेरी केयरफुल। गिरे 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 तो हिमालय, इसको हिमालयन को भी हिमालयन की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ और एक्चुअली मेरे को फटिकनेस फील हो रहा है काफ़ी, बट आज हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना ही है, हमें स्कीप नहीं करना है, भले धूप हो छाँव हो बारिश हो। बारिश होती तो थोड़ा बॉडी को इतना प्रॉब्लम होता नहीं, क्या पता होता भी क्या बोल नहीं सकते। सो रिच कन्नूर, पिछले 2 घंटे से ऐसे ही टाइप के रोड्स हैं, मतलब सिंगल लेन है, यार हमें पागी आ रही है। केरला नहीं यार, मैदान राइडिंग के लिए नहीं है रे केरला, हमने सोचा था केरला विल बी नाइस, बट अगर आप डायरेक्ट कन्याकुमारी हाईवे करते हैं ना वो तो अच्छा है, 3 लेन में मस्त पिकी सुसार जा सकते हो। स्टिल कितना है और कितना हो, शायद से कुछ 280 या 290 किलोमीटर रिमेनिंग है। अरे तेरी माँ का, आई जस्ट हैड टी, शुगर विदाउट शुगर वाला टी और चला रहा हूँ, और यहाँ यू नो अरेबियन क्रूजिन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ये वहाँ यहाँ एक फेमस है अल्फाम चिकन करके, वो काफ़ी उसका स्मेल मतलब मैंने खाया है, आज नहीं गया पहले बहुत खाया है, उसका जो स्मेल है ना वो अभी भी मतलब पूरे एक स्ट्रीट पे ऐसा आता रहता है। पर क्या करें, आज से नवरात्रि चालू होती है एंड वी आर हेल्पलेस। तो आज पता नहीं कौन कहाँ गरबा गरबा खेल, कोई खेलने वाला है कि नहीं, आई गेस मास्क पहन के गरबा खेलना पड़ेगा। टिंग टिकिंग 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 टिकिनी टिनी पूरा ऐसा एकदम। तो हैप्पी नवरात्रि टू ईच एंड एवरी वन जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वर्क को, या ना भी करते हो फिर भी। और केरला में एक अजीब सा चीज़ है, मतलब
व्हाट आर द मेजर्स यू आर टेकिंग फॉर COVID-19 के लिए? अभी मैंने एक मतलब कन्नूर के चौक में ही मैंने क्या खाया था, मैं चाय पिया था मैंने, तो उन्होंने चाय सर्व भी की पर उन्होंने मेरा नाम और नंबर लेके गए, मैं लेके रखा है क्योंकि मैंने चौराहे पे चाय पिया है बिना मतलब मास्क उतार के चाय पिया है। तो अगर कल जाके मैं पॉजिटिव होता हूँ या वो लोग मेरे को फ़ोन करके टेस्ट करेंगे कि हाँ हाउ आर यू फीलिंग एंड आपको कोरोना हुआ है कि नहीं वॉट एवर, बट दे आर बट एक्चुअली फुल प्रूफ तो नहीं है बट अब जो है सो है, एटलीस्ट दे आर टेकिंग सम मेजर्स विच इज़ गुड। और ऐसे स्पीड कैमराज हैं यहाँ जो कि खचक 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 करते हैं, यहाँ कुछ स्पीड लिमिट है इसके लिए मैं 50 के ऊपर चला नहीं रहा हूँ, देखो 50। और एक्चुअली ये कंपल एक्चुअली अच्छा है, ये यहाँ के लोग एकदम रांटी चलाते हैं ना, इसके लिए वो ऐसा रखा है उन्होंने। और ऐसा स्पीड लिमिट ऐसा उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि इतना स्पीड लिमिट रहना चाहिए इतना चाहिए, हाँ वो 50-50 का बोर्ड आता है पर वो उसके पहले करना चाहिए। तो राउट नाउ आई विल गो टू कासरगोड, नहीं कासरगोड नहीं है, कासरगोड तो चला गया, कोझिकोड़ी, आई एम गोइंग थ्रू कोझिकोड़ी डेस्टिनेशन। अभी भी टाइम है, अभी मोबाइल ऊपर निकाला नहीं है बिकॉज ये धूप में मोबाइल गर्म हो जाता है यार, बहुत प्रॉब्लम है।